गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे फ्रेंड्स आज है पाँच मई और आज हम लोग पाँच मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं पाँच मई के झारखंड के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी न्यू अपडेट्स आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी फ्रेंड्स यहाँ पे डेली मॉर्निंग पाँच बजे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियो आती है तो आप इसे जरूर से देखा करें साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वहाँ पर आपको इस वीडियो की पी शाम के सात बजे प्रोवाइड कर दी जाती है तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हाल ही में अमेरिकी मूल के किस खिलाड़ी द्वारा झारखंड में एक स्थायी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है तो अमेरिकी मूल के किस खिलाड़ी द्वारा घोषणा की गई है तो इनका नाम है मिसी फ्रैंकलिन ठीक है ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2012 के ठीक है ये एक तैराक हैं ठीक है ठीके? तो मिसी फ्रैंकलिन द्वारा जो है झारखंड में एक स्थायी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है ठीक है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे 2012 लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली अमेरिकी तैराक मिसी फ्रैंकलिन झारखंड में लड़कियों के लिए एक स्थायी बालिका विद्यालय बनाने की घोषणा की है ठीक है चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन तोड़ने के मामले में झारखंड के किस शहर में सर्वाधिक गिरफ्तारी की गई है तो सर्वाधिक गिरफ्तारी जो की गई है झारखंड के जमशेदपुर शहर में ठीक है तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है झारखंड के जमशेदपुर शहर में लॉकडाउन तोड़ने के मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी की गई है ठीक है अच्छा सबसे ज़्यादा लॉकडाउन तोड़ने के केस किस शहर से आए हैं तो सबसे ज़्यादा रांची शहर से लॉकडाउन तोड़ने के मामले दर्ज किए गए हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू किया गया है अच्छा तीसरा चरण कब तक शुरू किया कब तक जो घोषित की गई है तीन सॉरी सत्रह मई तक ठीक है सत्रह मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है घोषित की गई है ठीक है तो और इसमें आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है आपको आगाह किया जाता है कि आप प्लीज़ अपने घरों में रहें सेफ़ रहें ताकि संक्रमण का जो दौर है वो थम सके ठीक है और आप आप सभी को पता है कि कोरोना जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है ठीक है आप सभी से ये अनुरोध होता है कि आप अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स राज्य पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के मुताबिक राजधानी रांची में लॉकडाउन उल्लंघन के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं ठीक है ठीके? और जबकि सर्वाधिक गिरफ्तारी जो है जमशेदपुर जिले में हुई है तो सर्वाधिक गिरफ्तारी कहाँ हुई है जमशेदपुर जिले में और सर्वाधिक मामले दर्ज कहाँ किए किए गए हैं राजधानी रांची में ठीक है तो यहाँ के सर्वाधिक जो है लॉकडाउन तोड़ने के उल्लंघन उनके उल्लंघन के केस दर्ज किए गए हैं ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है तो बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में किस मूवी को पुरस्कार मिला है यहाँ पे जो ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर बी देर इज नो ह्यूमन ठीक है इस मूवी को दादा साहब फालके के, के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में जो है इसको पुरस्कार दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देयर इज नो ह्यूमन ठीक है चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रांची बोकारो और खूंटी जिला के तीन युवाओं प्रेम पिंटू और शशि ने सफलता का परचम लहराया है ठीक है तो इन तीनों ने मुंबई में सफलता का परचम लहराया है इनकी युगलबंदी में प्रोडक्शन इंडिया के बैनर तले शॉर्ट फिल्म देर इज नो ह्यूमन ठीक है इस मूवी को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का थीम क्या था अच्छा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता फ्रेंड्स तीन मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ठीक है तो कब मनाया जाता है तीन मई को चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता ये थीम था दो का जो कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बीस द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो और पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स ये कब का थीम है आ, मीडिया न्याय और कानून का शासन जांच में शक्ति बनाए रखना तो ये है 2018 का थीम ठीक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2018 में जो मनाया गया था उसका थीम था मीडिया न्याय और कानून का शासन जांच में शक्ति बनाए रखना ठीक है अच्छा 2019 का थीम क्या था तो 2019 का थीम था मीडिया एवं लोकतंत्र गलत सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव ठीक है तो ये 2019 का थीम था ओके इन सारी बातों को भी आप याद रखिए इसके साथ साथ ठीक है और 2020 का थीम था बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी इसके पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था ठीक है तो पहली बार कब घोषित किया गया था दिसंबर उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ठीक है तब से तीन मई को विंडो की घोषणा की सालगिरह में ठीक है इनकी सालगिरह में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में इनको मनाया है ठीक है तो तीन मई को विंडो कि की घोषणा की सालगिरह को ही हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं ठीक है और हर वर्ष जो है तीन मई को तभी से जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता आ रहा है ठीक है तो पहली बार घोषणा कब की गई थी उन्नीस दिसंबर में ठीक है इन सारी बातों को याद रखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राज्य के सभी जिलों में अगले न्यूनतम कितने समय के लिए स्थाई वायरल लैब खोलने की घोषणा की गई है तो हाल ही में राज्य के सभी जिलों में अगले न्यूनतम पाँच वर्षों के लिए ठीक है पाँच वर्षों के लिए स्थायी वायरल लैब खोलने की घोषणा की गई है ठीक है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फाइव इयर्स ठीक है पाँच वर्ष के लिए स्थाई वायरल लैब खोलने की घोषणा की गई है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित कोरोना सहित विभिन्न तरह की वायरस जांच के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में वायरल लैब बनाया जाएगा कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जांच के लिए खुलने वाले ये लैब अगले पाँच वर्षों के लिए होंगे बाद में इन्हें अवधि विस्तार मिल सकता है ठीक है तो ये वायरल लैब जो बनाया जाएगा ये अगले पाँच वर्षों के लिए मिनिमम बनाया जाएगा उसके बाद हो सकता है कि ये अवधि विस्तार इनको मिल सकता है ठीक है अच्छा इन सारे लैब में किस किसकी जांच की जाएगी तो विभिन्न तरह जो के जो वायरस हैं हर प्रकार के वायरस का जांच किया जाएगा ठीक है उनकी मरीजों को जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा उनकी जांच की जाएगी ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और आंसर ऑफ द डे है जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही प्रयास किया है लेकिन किसी का जो है मैंने कमेंट देखा उसमें ऑप्शन डी भी बताया गया है ठीक है और किसी ने ऑप्शन बी बताया तो हम लोग यहाँ पे आंसर ऑफ द डे देख कितनी राशि सरेंडर की गई इक्कीस हजार करोड़ रुपए ठीक है तो राइट आंसर तो जो जो right हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इक्कीस करोड़ रुपये झारखंड गठन के बाद पहली बार विकास योजनाओं की राशि सरेंडर की गई है ठीक है चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स झारखंड में एक वर्ष में दो चुनाव यानी लोकसभा और लोक विधानसभा चुनाव और साल की अंतिम तिमाही में कोरोना का लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप झारखंड गठन के बाद पहली बार विकास योजनाओं के इक्कीस हजार ठीक है इक्कीस हजार करोड़ रुपए सरेंडर किए गए सरेंडर की जाने वाली राशि का आंकड़ा घट भी सकता था यदि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनती थी, ठीक है तो कोरोना के कारण ही ये जो अमाउंट है ये सरेंडर किए गए हैं ये राशि रिटर्न कर दी गई है ठीक है और कोई भी विकास के काम नहीं हो पाए हैं इस वर्ष ठीक है तो ये इन सारी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है तो आप प्रयास कीजिएगा आंसर की, करने का क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस ग्राम पंचायत को बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार ठीक है पुरस्कार का नाम है बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है ठीक है तो किस ग्राम पंचायत को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है ऑप्शंस दिए गए हैं कपिलो बुंडू पेटरवार या इनमें से कोई नहीं तो आप प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स कि इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकें ठीक है तो फ्रेंड्स ये था पाँच मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे सम्बंध संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने डिस्कस किए हैं और उससे जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने कवर किए हैं ठीक है तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ नमस्कार